हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम फिर से केरला की और एक नई रेसिपी देखने वाले हैं। तो एक्चुअली इसे मलयालम में कहते हैं परिपायसम, तो हम इसे हिंदी में कहेंगे मूंग दाल की खीर। तो आज हम मूंग दाल की खीर बनाने वाले, बहुत ही यमी टेस्ट है इसकी फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये स्पेशली। तो ऑथेंटिक केरला स्टाइल से आज हम इस रेसिपी को देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके की मूंग दाल ली है। 1 कप मैंने मूंग दाल को लिया है, अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम इसे वॉश करेंगे 2-3 बार अच्छे पानी से, और फिर हम इसे कुकर में पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने स्टील का स्मॉल कुकर लिया है फ्रेंड्स। तो और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी खाना पकाते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनमें खाना मत पकाइए। जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो बहुत सारे बीमारियां हमें हो सकती है। और कुकर में 1 सीटी आने के बाद गैस को तुरंत बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है और ये दाल भी पक चुकी है। सिर्फ 1 ही सीटी हमें करनी है और ये सभी जो दाल पकी हुई है वो मैंने मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है इसे। और फिर हम इसी में ही डालेंगे गुड़। तो यहाँ मैंने 1 बाउल गुड़ लिया है। तो 1 कप अगर आप दाल ले रहे हैं तो 1 कप गुड़ ही लीजिए, बट आपको कितना मीठा पसंद है उसी पे डिपेंड भी आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अगर गुड़ में कभी कभार स्टोन रहते हैं तो उस तरीके का गुड़ आप लेते हैं तो उसका पानी बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस दाल को कुकर में मत पकाएं, आप चाहे तो इसी मिट्टी के बर्तन में इसे पकाकर ले सकते हैं, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं था सो इसीलिए मैंने फटाफट से कुकर में इसे कुक करके लिया है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसे उबालने के लिए छोड़ देते हैं और इसे हम 3-4 मिनट अच्छे से इस गुड़ के पानी में पकने देंगे दाल को। तो स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा इस तरीके से। थोड़ी देर पकने के बाद 4 मिनट के बाद हम इसमें डालने वाले हैं कोकोनट मिल्क। नारियल का मिल्क किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने पहले के वीडियो में आपको दिखाया है। पहले बहुत बार मैंने नारियल के दूध से बहुत सारी रेसिपीज बनाई है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो अभी ये परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ मैंने हाफ नारियल का मिल्क लिया है। ये जो पायसम होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है फ्रेंड्स, यहाँ के लोग ग्लास में लेते हैं और पीते हैं, एक्चुअली इसे खाते नहीं हैं इसलिए इसे पायसम कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा थिक बनाना है तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक रख सकते हैं और स्पून से भी खा सकते हैं, बट मैं इसे पायसम जैसा ही बना रही हूँ। यहाँ केरला में जिस तरीके का रहता है उसी तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, आप कभी भी केरला आएंगे तो खाकर ज़रूर देखिए। पायसम यहाँ के बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में पायसम यहाँ बनते हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखिए इस तरीके का है, हम इसे थोड़ी देर इसी तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। आपको इसे उबालने के लिए छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये फट सकता है, इसलिए इसी तरीके से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है, धीमी आंच पर ही हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो जैसे इस आपको लगेगा कि अभी उबालने के स्टेज तक आ रहा है उसी टाइम तुरंत हम गैस को बंद कर देंगे। इसे उबालना नहीं देना, नहीं तो ये फट सकता है और इसकी टेस्ट बिगड़ सकती है, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हमें डालना है कार्डमम पाउडर, तो मैंने इसमें कार्डमम पाउडर डाल दी है फ्रेंड्स। जब मैंने मिल्क को बनाया था उसी में ही मैंने कार्डमम पाउडर को डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, कभी भी हम मिट्टी के बर्तन में कुछ भी बनाते हैं तो उसकी एक अलग टेस्ट रहती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप अपने घर में मिट्टी के बर्तन ज़रूर लेकर आइए और उसी में ही खाना बनाने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये परफेक्ट हो चुका है, ये उबालने के स्टेज तक आया है, अच्छे से गर्म हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बर्तन को साइड में रख देंगे और इसी गैस के ऊपर हम तड़का पैन रखेंगे और फिर हम इसमें लेंगे घी। तो यहाँ हम 2 स्पून घी डाल रहे हैं इसमें, तो आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कैशूनट, बादाम और किशमिस को लिया है। तो पहले मैंने कैशूनट और आलमंड को डाल दिया है, उसके स्लाइस करके आप डाल सकते हैं। तो घी में अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे।
और इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे किशमिश, तो इसे भी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा जस्ट फ्राई करेंगे। और देखिए अभी ये हो चुका है, तो अभी हम पायसम को यहाँ रख देंगे और इसी के ऊपर हमने जो घी में अच्छे से फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स लिए उन्हीं को डाल देंगे। फ्रेंड्स सच में यहाँ बहुत ही बढ़िया खुशबू फैल रही है चारों तरफ और बढ़िया सा पायसम बन के रेडी हुआ है। हम अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका लुक देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी पायसम है क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है। और आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आपको इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड्स। और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। सिंपल रेसिपी है बट कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि दाल से भी हम पायसम या खीर बना सकते हैं। तो एक्चुअली सच में मुझे पहले जब मैं महाराष्ट्र में थी तो मुझे पता नहीं था कि दाल से भी खीर बनती है। केरला में आने के बाद ही पता चला क्योंकि यहाँ बहुत ही अलग अलग दालों से खीर बनती आ रही है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।